निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां बड़े जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। इसी को ध्यान में रखकर निकाय चुनाव में कूदने वाले प्रत्याशी भी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए राजनीतिक दल व प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जैसी तैयारी में जुट गए हैं। इलाकों में प्रत्याशियों व नेताओं का आवागमन प्रारंभ हो गया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में नवंबर दिसंबर में कुल 753 नगरीय निकाय संस्थाओं चुनाव होना है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा शमशाबाद की। शमशाबाद में वर्तमान में भाजपा की श्रीमती कृष्णा देवी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। शमशाबाद की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव चाहे कोई भी हो पर सबसे ज्यादा हलचल शमशाबाद में रहती है। हम आपको एक एक कर समस्त क्षेत्रों की जानकारी देंगे, परंतु सबसे पहले लोगों से मिली जानकारी अनुसार शमशाबाद नगर पंचायत चुनाव को लेकर इसी इलाके में प्रत्याशियों ने कमर कसी है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहल्ला दलमीर खान निवासी विजय गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहल्ला काजी टोला निवासी नदीम अहमद फारूकी, मोहल्ला गली निवासी मुफ्ती जफर अहमद कासमी, बाजार मंडी निवासी हेमचंद राजपूत, मोहल्ला दलमीर खान निवासी राम कुमार गुप्ता, मोहल्ला दलमीर खान निवासी मयंक गुप्ता, मोहल्ला दलवीर खान निवासी जोगराज राजपूत, मोहल्ला सावन टोला निवासी अवधेश पांडे, मोहल्ला दाऊद गिरा निवासी डॉक्टर रुकनुद्दीन अंसारी, मोहल्ला अलेपुर निवासी मुजाहिद खां, मोहल्ला कोटला निवासी इजहार खां और मोहल्ला सिकंदरपुर महमूद निवासी जिला पंचायत सदस्य कुंवरजीत सिंह उर्फ जीतू की धर्मपत्नी आदि लोगों ने नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर कमर कसी है। परंतु लोगों से प्राप्त जानकारी अनुसार सबसे ज्यादा चर्चाओं में सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आ रहा है और वह है नदीम अहमद फारूकी। जनता के कथनानुसार उनके द्वारा कस्बा में कराए गए बड़े बड़े कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखकर हमने शमशाबाद ही नहीं जनपद के बहुचर्चित निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी से वार्ता की। तो आइए आपके समक्ष हाजिर है नदीम अहमद फारूकी। जी नदीम भाई, नगर पंचायत के चुनाव आ गए हैं, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? तैयारी तो जनता करती है जी। जनता अगर तैयार होगी हमारे लिए तो हम तैयार हैं, जनता अगर हमारी समर्थन नहीं करने के मूड में है तो हम तैयार नहीं है। अच्छा, आप इस चुनाव में आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? यदि हम चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर चुनाव जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है उसका असली कार्य जो होता है वो क्षेत्र में विकास कराने का होता है। पूर्व में हम जो निर्वाचित रहे तो हमने विकास कार्यों पर ही फोकस किया और कई बड़े विकास कार्य कराए गए। आगे हमारा मानना ये है कि शमशाबाद एक बहुत ही प्राचीनतम बस्ती है और यहाँ बहुत पहले तहसील रही है, तो हम चाहेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि शमशाबाद को तहसील घोषित करें। इसके अलावा यहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है और नवयुवकों के लिए स्टेडियम की स्पोर्ट के लिए स्टेडियम की जरूरत है। इस तरीके की चीज़ें बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हैं और छोटी बहुत सी चीज़ें एजेंडे में हैं जिनको समय के अनुसार लागू कराने के लिए विचार किया गया। आप सदैव विकास की बात करते हैं और कुछ आपने विकास कराए भी हैं, तो थोड़ा ज़रा जानकारी दे दीजिए आपने क्या क्या विकास कराए थे? मैं जब चेयरमैन था तो शमशाबाद में बहुत पहले से अस्पताल की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जी, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। उसके लिए बहुत लिटिगेशन हाई कोर्ट तक करने के बाद जी आज तब अस्पताल का निर्माण हुआ था। और बैंक की आवश्यकता थी तो बॉम्बे हेडक्वार्टर लिखकर स्टेट बैंक की स्थापना यहाँ की गई जी, और एक चौराहे पर एक बेहतरीन ग्रीन पार्क बनाया गया था जी, एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी जी, और एक गेस्ट हाउस बनाया था जो 80% हमारे कार्यकाल में बन गया था जी। कुछ काम रह गया था लेकिन आज वो मुश्किल अवस्था में पड़ा हुआ है। क्या कार्यालय वर्तमान चेयरमैन ने उस पर ध्यान नहीं दिए। विद्युतीकरण करोड़ बड़े पैमाने पर कराया गया था,
करीब 250 हैंडपम्प लगवाए गए थे और गलियों और सड़कों का निर्माण साधारण बात है, इस तरीके के बड़े काम किए गए थे। और ये जो गंगा का पुल बना है इसके लिए भी हम लोगों ने ही प्रयास किए थे और हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने उसको स्वीकृत कराया, तो अधिकांश निर्माण उनके ही कार्यकाल में हुआ। नहीं, आपके कार्यकाल में जो गेस्ट हाउस बनाया था उसकी हालत दयनीय है, बड़ी जीर्ण शीर्ण है, क्या कारण है इसके? वो गेस्ट हाउस जनता के लिए बहुत लाभकारी था और बहुत कम खर्चे पर लोगों को उपलब्ध होता, इसीलिए उसकी तेज़ी से तैयारी कराई गई। लेकिन बस मेरे कार्यकाल समाप्त हो गया और वो शुरुआत नहीं हो पाई थी। लगभग 10 साल हो गए, 2 कार्यकाल रहे जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके उनके पुत्र को मिलाकर, लेकिन उन्होंने इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल जीर्णशील अवस्था में कर दिया। अगर उसको तैयारी करा लेते तो वो जनता को समर्पित होता और आज जनता को भारी पैसे पर कहीं गेस्ट हाउस नहीं अरेंज करना पड़ता। जनता, जैसे हमने सर्वे कराया है, लोगों से जानकारी लिए, जनता बदलाव चाहती है, इसके क्या कारण? देखिए, बदलाव तो किसी सरकार के विरुद्ध या जनप्रतिनिधि के विरुद्ध तभी होता है जब जनता की आकांक्षाओं पर वो पूरा नहीं उतरते। तो कहीं ना कहीं वर्तमान चेयरमैन जनता की आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतर रहे होंगे, इसलिए वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, मतदाता को अपने मत का सही प्रयोग करने का अधिकार मिला हुआ है। उसे लग रहा है कि हमने जहाँ मत दिया था वो शायद हमें साकार नहीं हुआ, क्योंकि भाई ताज्जुब की बात है कि 10 साल में कोई विकास काम नहीं हुआ। और वर्तमान में तो चेयरमैन साहब की भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जिनकी सरकार प्रदेश और केंद्र में है, उसके बावजूद कोई विकास कार्य सामने नहीं आया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा, यह आश्चर्यजनक और अफसोस की बात। चलिए नदीम भाई, यूपी 76 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।